हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। मैं आपका स्वागत करता हूँ नेटवर्किंग प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एक टोपोलॉजी के अंदर कैसे अपने रूट ब्रिज को चेक कर सकते हैं, सिंपल एक कमांड लगा के, जो कि थी शो स्पैन एंट्री। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम एक टोपोलॉजी के अंदर कैसे एक रूट ब्रिज को चेंज कर सकते हैं। मतलब उस टोपोलॉजी के अंदर हमें पता होगा कि हमारा कौन सा स्विच जो है रूट ब्रिज है, और हम नहीं चाहते कि वो स्विच जो है हमारा रूट ब्रिज बने। हम चाहते हैं कि हमारा दूसरा स्विच कोई रूट ब्रिज बने, तो हम उसको रूट ब्रिज बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो है सिस्को पैकेट रेसर वो ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से जाता हूँ एंड नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर स्विचेस के अंदर। तो यहाँ से मैं 2960 के चार स्विचेस जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ सपोज, और यहाँ से ले लेता हूँ एक मल्टी लेयर स्विच 3560 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर केबल्स के ऊपर, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट केबल सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इनको आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इन सारे स्विचेस को आपस में जोड़ दिया। अब इनके बीच में वीपीडीयू फ्रेम जो आपस में सेंड रिसीव होंगे, उसके बाद इनके अंदर रूट ब्रिज इलेक्शंस होंगे और पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा। इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए इस टोपोलॉजी के अंदर हमारे दो पोर्ट जो हैं ब्लॉकिंग पोर्ट बने हैं। एक ये पोर्ट हमारा ब्लॉकिंग बना है, एक ये पोर्ट हमारा ब्लॉकिंग बना है। सबसे पहले मैं स्विच के ऊपर जाता हूँ, स्विच जीरो के ऊपर उसके कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, और यहाँ चेक करता हूँ एनेबल में जाके शो स्पैन एंट्री। ठीक है, तो ये देखिए इसके फास्ट इंटरनेट 01 और 02, एक पोर्ट जो है ब्लॉकिंग पोर्ट बना है, दूसरा बना है रूट पोर्ट। 01 बना है इसका ब्लॉकिंग पोर्ट, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। दूसरा बना है हमारा रूट पोर्ट। ये बना है हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट, ये बना है हमारा रूट पोर्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इस स्विच के ऊपर, इसके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जो कि स्विच वन है हमारा, यहाँ पे जाता हूँ इनेबल के अंदर, और यहाँ लिखता हूँ मैं शो स्पैनिंग ट्री की कमांड। तो इसके अंदर एक ही पोर्ट है जो कि हमारा रूट पोर्ट बना है। ठीक है, तो उसको लिख लेता हूँ मेरा एक ही पोर्ट है और जो कि मेरा रूट पोर्ट बना है। देन नेक्स्ट स्विच के अंदर जाता हूँ, सपोज इस स्विच के अंदर जाता हूँ मैं इसके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर, इसमें जाता हूँ इनेबल के अंदर, और यहाँ लिखता हूँ कमांड में शो स्पैनिंग ट्री। तो इसके अंदर चार पोर्ट हैं हमारे, ठीक है, जिसमें से पोर्ट नंबर 4, 3 और 2 हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट बना है, एक हमारा रूट पोर्ट बना है 01। 4, 3 और 2 हमारे डेजिग्नेटेड बने हैं, 4, 3 और 2 नंबर पोर्ट हमारा डेजिग्नेटेड बना है, बाकी ये पोर्ट हमारा बना है रूट पोर्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इस स्विच के ऊपर, स्विच नंबर 2 के कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर, यहाँ पे भी सेम कमांड लगाता है इनेबल में जाके, जो कि है हमारी शो स्पैनिंग ट्री। तो इसके अंदर क्या है, 03 हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट बना है, एक रूट बना है, एक डेजिग्नेटेड बना है। 03 हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट बना है, इसको लिख लेते हैं। 03 हमारा जो है वो है हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट। ठीक है, और 01 है हमारा डेजिग्नेटेड, 01 है हमारा डेजिग्नेटेड, और 02 है हमारा रूट पोर्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मल्टी लेयर स्विच के ऊपर, और यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस में जाता हूँ इसके, इनेबल, देन यहाँ पे भी कमांड लगाता हूँ शो स्पैनिंग ट्री की। अभी देखिए यहाँ पे इसकी रूट आईडी भी सेम है और ब्रिज आईडी भी सेम है। ठीक है,
ये मैक एड्रेस ठीक है और ये मैक एड्रेस दोनों सेम है और इसके दोनों पोर्ट्स ही हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट बने हैं, मतलब जो यहाँ पे हमारा मल्टी लेयर स्विच है वो हमारा रूट ब्रिज बन चुका है क्योंकि इसके दोनों पोर्ट ही हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आए हैं। तो ये है हमारा यहाँ पे रूट ब्रिज, ठीक है। अब सपोज मैं चाहता तो इस स्विच को रूट ब्रिज बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे? अब मुझे इसकी प्रायोरिटी जो है चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो इस टोपोलॉजी के अंदर हमारा सारा काम ठीक हुआ है। हम चाहते थे कि हमारा रूट ब्रिज जो है मल्टी लेयर स्विच ही बने क्योंकि मल्टी लेयर स्विच जो होता है हमारा फास्ट होता है, ठीक है। मल्टी लेयर स्विच हमारा फास्ट होता है इसलिए वो सारी कंडीशंस को इजीली हैंडल कर सकता है और इस स्विच के कारण इस टोपोलॉजी के अंदर लूप बैक बनने के चांसेस भी बड़े कम हो जाएंगे और कंजेशन आने के चांसेस भी बड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो किसी और स्विच को भी रूट ब्रिज बना सकता हूँ। जैसे सपोज मैं इस स्विच 3 को जो है रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर जाऊँगा और इसके यहाँ पे जाऊँगा कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड के अंदर और यहाँ पे लिखूँगा कमांड स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी, ठीक है। शिफ्ट दबा के क्वेश्चन मार्क कर लूँगा मैं यहाँ पे, वो दिखा रहा है कि जो इसकी प्रायोरिटी होती है स्विच की वो 0 से लेके 61440 तक होती है और ब्रिज प्रायोरिटी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096 और जो स्विच के अंदर आप प्रायोरिटी दे सकते हो वो सिर्फ 4096 के इंक्रीमेंट्स में ही दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ गलत डाल के देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रायोरिटी 1000, तो ये मुझे एरर दिखाएगा, ये इस कमांड को उठाएगा नहीं। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि ब्रिज प्रायोरिटी मस्ट बी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096 और अलाउड वैल्यूज हमें दिखा रहा है कि वो ये दे सकते हो आप स्विच के अंदर, ठीक है। 04096 ये जो इंक्रीमेंट्स के अंदर है 4096 के, तो सपोज़ मैं यहाँ पे जो है ब्रिज प्रायोरिटीज की 4096 दे देता हूँ, तो मैंने कमांड लिखी स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी 4096, इसको मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्विचेस आपस के अंदर BPDU फ्रेम्स दोबारा सेंड रिसीव करेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, ये स्विच जो है हमारा स्विच 3 वो हमारा ऑटोमेटिकली रूट ब्रिज बन जाएगा। इसका मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस स्विच के ऊपर दोबारा से शो स्पैनिंग ट्री की कमांड, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे चेक करा शो स्पैनिंग ट्री, तो देखिए इसके चारों के चारों पोर्ट्स जो है हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट बन चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर चार पोर्ट्स हैं और चारों के चारों हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट बन चुके हैं, मतलब ये स्विच जो है और इस स्विच के अंदर क्या है, इसकी रूट आईडी भी सेम आ गई और ब्रिज आईडी भी सेम आ गई, ठीक है। मतलब ये स्विच जो है हमारा रूट ब्रिज बन चुका है। अब हमने इस स्विच को रूट ब्रिज बना दिया। अब मल्टी लेयर स्विच को हम चेक करते हैं कि उसके ऊपर कमांड लगा के शो स्पैनिंग ट्री की, तो देखिए इसका एक पोर्ट जो है डेजिग्नेटेड बन चुका है, एक रूट पोर्ट बन चुका है और इसके अंदर रूट आईडी भी अलग है और ब्रिज आईडी भी अलग है। मतलब अब हमारा ये मल्टी लेयर स्विच जो है रूट ब्रिज नहीं रहा, अब रूट ब्रिज जो है हमारा ये स्विच बन चुका है, ठीक है। अगर हम चाहें तो दोबारा इस मल्टी लेयर स्विच को क्या कर सकते हैं, रूट ब्रिज बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी स्विच के ऊपर जाता हूँ दोबारा स्विच 3 के ऊपर और यहाँ पे लिखता हूँ कमांड वही कॉन्फ़िग ट्री टर्मिनल, या लिखता हूँ कमांड स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी क्वेश्चन मार्क, इसकी प्रायोरिटी मैं कुछ और रख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी रख देता हूँ 28672 ये वाली, ठीक है 28672 एंटर कर दी मैंने कंट्रोल जेड करके, इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर देता हूँ और इस मल्टी लेयर स्विच की प्रायोरिटी को 4096 कर देता हूँ। स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी 4096, ठीक है कंट्रोल जेड करके इसको मैं कर देता हूँ राइट। अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ,
अब मैं यहाँ पे दोबारा चेक करता हूँ इस इशू 3 के ऊपर, इनेबल में जाके शो स्पैनिंग ट्री। तो अब देखिए इसके दोबारा पोर्ट नंबर 4, 3 और 2 डेजिग्नेटेड बन गए और ये फासिद ने 01 जो है रूट पोर्ट बन गया, और यहाँ पे रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम नहीं रही। ठीक है, रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम नहीं रही। अब मैं यही चीज़ चेक करता हूँ मल्टीलेयर स्विच के ऊपर, इनेबल में जाके शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट आईडी भी सेम है और ब्रिज आईडी भी सेम है, ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस सेम आ गया, और इसके दोनों के दोनों पोर्ट्स हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स बन चुके हैं। मतलब जो अब ये मल्टीलेयर स्विच है हमारा दोबारा जो है रूट ब्रिज बन चुका है। तो ये था फ्रेंड्स कि हम एक टोपोलॉजी के अंदर कैसे रूट ब्रिज को चेंज कर सकते हैं, सिंपल एक कमांड लगा के, जो कि है शो स्पैन एंट्री वी लैंड 1 प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जो होगी 4096 है, मल्टीपल्स के अंदर ही हो सकती है। ठीक है, यही अलाउड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या करा, पहले इस स्विच हमारा मल्टीलेयर स्विच जो है ऑलरेडी रूट ब्रिज बन चुका था, तो हमने इसको चेंज करके यहाँ पे स्विच 3 को रूट ब्रिज बना दिया। फिर हमने दोबारा इस स्विच 3 की प्रायोरिटी को बढ़ा दिया और इस रूट ब्रिज की प्रायोरिटी को कम कर दिया, जिससे कि ये दोबारा हमारा रूट ब्रिज बन चुका है। तो ये था फ्रेंड्स कि हम एक टोपोलॉजी के अंदर कैसे रूट ब्रिज को चेंज कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर